एन जो है वो 1 2 3 4 5 स्क्वायर प्लस 1 2 3 4 5 प्लस 1 2 3 4 6 के बराबर है। तो आपको बताना है कि रूट एन की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। और कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं, और आपको बताना है कि इसमें करेक्ट उत्तर आपका क्या होने वाला है। अब देखिए, ये क्वेश्चन जो है कुछ 1 सेकेंड में मार्क हो सकता है डायरेक्टली, अगर आप थोड़ा ऑप्शंस देखते हो तो। उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं जो समझाने जा रहा हूँ वो समझ में आएगा। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये क्वेश्चन क्यों बनाया गया है। तो वो जो सोच के ये क्वेश्चन बना रहे हैं ना, हम उनकी सोच के हिसाब से नहीं सॉल्व कर रहे हैं, हम तो कुछ और ही कर रहे हैं, ठीक है। आप कुछ अलग सोचना जब शुरू करोगे तभी तो आप स्मार्ट बनोगे इस तरह से। अब देखिए, मैंने क्या सोचा और आंसर को डायरेक्टली मार्क किया। पहली बात, वही बात हो रही है ना कि आप बुद्धू थोड़े ना हो। आपको एक चीज़ यहाँ से साफ साफ दिखेगी कि जो एन की वैल्यू है वो डेफिनेटली फाइनली अगर मैं कैलकुलेट करूंगा रूट एन की वैल्यू, तो वो 1 2 3 4 5 से बड़ी आएगी। क्यों भाई? आप जरा देखना, एन की जो वैल्यू है ना, ये 1 2 3 4 5 स्क्वायर प्लस समथिंग है, यानी 1 2 3 4 5 स्क्वायर से थोड़ा सा ज़्यादा है, डेफिनेटली ज़्यादा है। तो अगर एन की वैल्यू इसके स्क्वायर से ज़्यादा है तो रूट एन निकालोगे तो भाई इससे ज़्यादा तो आएगा ही आएगा, यानी ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। दो ऑप्शन तो मैंने रिजेक्ट कर दिया। अब जरा आप एक ध्यान से देखना, मैंने अगर इसका स्क्वायर निकाला तो मुझे क्या मिलेगा? ऑड नंबर मिलेगा भाई। ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड नंबर होता है, ये भी ऑड है और ये इवन है। इन तीनों का अगर आप सम निकाल लो, ऑड प्लस ऑड क्या देगा? इवन। इवन प्लस इवन क्या देगा आपको? इवन। यानी जो ये एन है ये क्या है आपका? एन एक इवन नंबर है। अब जीवन में कभी आपने स्क्वायर रूट इवन नंबर का कोई ऑड नंबर देखा है? मिलेगा ही नहीं भाई। अगर आप इवन इंटू इवन करते हो, स्क्वायर का मतलब क्या होता है? सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना। तो इवन नंबर अगर आपको मिल रहा है यहाँ पर, वो तभी पॉसिबल है जब नंबर खुद में इवन हो। यानी आप ऐसे समझ लो कि कोई भी नंबर जो कि इवन दिया हुआ है, अगर मैं उसका स्क्वायर रूट निकालूंगा और वो परफेक्ट स्क्वायर है तो मुझे इवन ही मिलेगा। अब यहाँ से पता है कि ये नंबर एन जो है इवन होने वाला है, तो इसका इस जो स्क्वायर रूट निकलने वाला है वो भी इवन होने वाला है। आपका आंसर क्या हो गया? पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। दो ऑप्शन जो बचे थे उसमें मुझे इवन वैल्यू खोजनी है, तो वो तो बस यही हो सकती है, और तो कुछ भी नहीं हो सकता है ना। आप इवन डायरेक्टली इस एनालिसिस को कर सकते थे। जैसे ही आपने आइडेंटिफाई किया कि रूट एन की वैल्यू इवन होगी, आप जरा बताओ रूट एन अगर इवन है तो ऑप्शन कौन से पॉसिबल हैं? पहला और तीसरा। तीसरा तो हो नहीं सकता क्योंकि वो 1 2 3 4 5 से कम है, हमें तो ज्यादा नंबर चाहिए। तो आंसर एक ही करेक्ट हो सकता है, 1 2 3 4 6। अब देखिए, उन्होंने जो सोच के बनाया था, मैं आपको बता रहा हूँ उन्होंने क्या सोच के बनाया था। उन्हें नहीं पता था कि आप उनके क्वेश्चंस का ये हाल करने वाले हो, उन्हें मालूम ही नहीं था। लेकिन जो हाल आपने अभी यहाँ किया है इस क्वेश्चन को करने में, कि ऐसे ही देखा और ओरली मार्क कर दिया इस क्वेश्चन को, बहुत आसान है। अब जरा मैं आपको समझाता हूँ कि इस क्वेश्चन को आपको क्या सोच के इन्होंने सवाल बनाया था। देखिए, स्क्वायर ये एक प्रॉपर्टी होती है बेसिकली। जैसे मैं आपसे कहूं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आता आपको बचपन से लेकिन कभी नहीं जाना कि ये क्या है, ठीक है। ये जो एक्सप्रेशन होता है इसका इस्तेमाल होता है कंजिक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर निकालने में। तो कंजिक्यूटिव नंबर की बात करूं मैं अगर, तो मैं ऐसे बात कर रहा हूं 1 2 3 4 कंजिक्यूटिव नंबर्स। अब मैं अगर आपको ये बोलूं कि ए और बी कंजिक्यूटिव नंबर्स हैं जहां पर ए बी से बड़ा है, तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा? 1। तभी वो कंजिक्यूटिव नंबर्स कहलाएंगे, है ना। लेट्स से एग्जाम्पल कर रहा हूँ, 40 और 41, ये दोनों कंजिक्यूटिव नंबर्स हुए। तो उस केस में डिफरेंस जो होगा ना, 41 का 40 से 1 होगा। कंजिक्यूटिव नंबर्स में बड़े वाले नंबर्स में से छोटा नंबर घटाओगे तो 1 आएगा, ये 1 हो गया। अब जरा ध्यान से देखना यहाँ से कि आपको ए स्क्वायर क्या मिलने वाला है। यहाँ से ए स्क्वायर आपको मिलेगा बी स्क्वायर प्लस बी प्लस ए। ये देखो, यानी अगर आपको नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर चाहिए, नेक्स्ट नंबर का अगर आपको स्क्वायर चाहिए, तो क्या करना है आपको? उसके पहले वाले नंबर का स्क्वायर प्लस वो नंबर और प्लस ये नंबर जिसका स्क्वायर चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ अगर आपको 41 स्क्वायर चाहिए, तो ये क्या होगा? प्रीवियस नंबर का स्क्वायर प्लस प्रीवियस नंबर प्लस द नंबर जिसका स्क्वायर आपको चाहिए। यही उन्होंने उठा के यहाँ लिखा है। ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 स्क्वायर प्लस 1 2 3 4 5 प्लस 1 2 3 4 6। ये एन आपका क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये सिंपल सा एक्सप्रेशन है जहां से उन्होंने ये सवाल बनाया था, ठीक है। ये सवाल यहां से बनाया गया था, पर हमारे पास तो बहुत सारे तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, और हमने इसको आसानी से बिना कुछ टेंशन लिए हुए इसको डायरेक्टली मार्क कर दिया।
अब आप देखिए इस तरह के एक्सप्रेशन से रेडी रहिए। आप क्या करते हो, स्क्वायर निकालने के तरीके तो रट लेते हो, लेकिन उसका जो बैकग्राउंड लॉजिक होता है कि वो क्यों निकल रहा है वो नहीं सीखते हो, इसलिए आप स्ट्रगल करते हो। ठीक है, अब जरा मैं आपको ध्यान से दिखाता हूँ कि इवन इस क्वेश्चन में एक ऐसा सवाल भी बनाया जा सकता है कि बी स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी। देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे बोलूँ कि मुझे बी स्क्वायर चाहिए तो आप कहोगे ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे, यहाँ पर उठा के वो लिख सकते हैं 1 2 3 4 6 होल स्क्वायर माइनस 1 2 3 4 6 माइनस 1 2 3 4 5, है ना। ये जो वैल्यू होगी बी की फिर 1 2 3 4 5 के बराबर होगी, है ना। तो आप थोड़ा तैयार रहें कि एक कहते ना हर चीज़ के पीछे थोड़ा अंडरलाइन लॉजिक का होना पता होना ज़रूरी है, फिर चीज़ें आसान होंगी। पर मैंने जिस तरीके से किया इसलिए मैं लॉजिक को कहता हूँ कि लॉजिक जो होता है, जो कॉमन सेंस होता है, उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है कि आपको कितना आता है। इस क्वेश्चन में आपको ये ना भी पता हो, एग्जामिनर ने ऐसा सोच के बनाया, ये आपको ना भी पता हो, तो आपका कॉमन सेंस आपको आंसर दे रहा है कैसे भैया कि इवन होगा और 1 2 3 4 5 से बड़ा होगा। यहाँ पर इसको भी जानने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कहता हूँ कॉमन सेंस पे काम करिए, बेहतर हो जाओगे।